हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं माउंट आबू जो कि राजस्थान में है। सबसे ज़्यादा हमने बहुत सारे लोगों से पूछा है कि भाई यहाँ पे खाने के लिए क्या चीज़ फेमस है, तो उन्होंने हमको बोला कि यहाँ की पुरोहित का जो रेस्टोरेंट है वो बहुत ही फेमस है और साथ में उनका फेमस फूड जो है वो है दाल बाटी। और राजस्थान की सबसे फेमस चीज़ ही दाल बाटी है और पुरोहित का जो दाल बाटी है वो भी बहुत फेमस है। तो हम यहाँ के ओनर से पूछेंगे कि किस तरीके के यहाँ पे, क्योंकि नॉर्मली सभी जगह दाल बाटी मिलती है, तो अपन एक्स्ट्रा क्या कुछ ऐसा कर रहे हैं टेस्ट में जो यहाँ पे आते हैं लोग इसके लिए? दाल बाटियाँ यहाँ हमारे यहाँ 40-50 साल से दाल बाटी हमारा फेमस चीज़ है। दाल बाटी और चूरमा, ऐसे तो हम साउथ इंडियन, चाइनीज, फास्ट फूड, अगर राजस्थान आएंगे तो दाल बाटी खाने में जो मज़ा वो तो कहीं नहीं है। तो क्या बनाएंगे आप दाल बाटी में, क्या क्या देते हैं आप? दाल होती है, दाल किस चीज़ की बनाते हैं? मिक्स दाल, चूरमा दाल, मिक्स दाल देते हैं, लहसुन की चटनी, पापड़, सलाद, अचार, चूरमा, ये सारी चीज़ें होती है उसके अंदर। और एक प्लेट की क्वांटिटी कितनी होती है, कितने मतलब एक प्लेट में? एक प्लेट में जैसे दाल बाटी चूरमा ले तो दो जने आराम से शेयर हो सकते हैं, एक थाली में दो लोग खा सकते हैं। अच्छा, तो और दाल बाटी लो तो 140 का करीबन 150 का आता है, और दाल बाटी चूरमा लो तो 280-300 समथिंग का। मिनिमम मतलब एक थाली में दो लोग तो आराम से खा ही सकते हैं। दाल बाटी चूरमा लोगे तो दो आदमी का इनफ हो जाता है, ओनली दाल बाटी खाओ तो एक आदमी का भरपेट खाना हो जाता है। मतलब तो हम भी कुछ टेस्ट कर लें यहाँ का दाल बाटी, हम भी देखते हैं फिर किस तरीके का टेस्ट आ रहा है यहाँ का। फ्रेंड्स, बहुत भूख लग रही है और काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ पे, अभी तक दाल बाटी आई नहीं, क्योंकि दाल बाटी अगर दूसरी जगह हम खाते हैं ना तो वहाँ क्या फटाफट आपको दे देंगे, लेकिन यहाँ पे टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि स्पेशली वो उसको बना रहे हैं। और ये मेन चीज़ होती है कि आपको फ्रेश भी मिले और तुरंत अगर कोई चीज़ बन के आएगी तो उसका टेस्ट भी बिल्कुल अलग होता है। तो यहाँ पे जो भी मिलता है एकदम फ्रेश मिलता है। अब भूख बहुत ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है, अब आने वाला है। कितना टाइम लगेगा अंकल? 2 मिनट बोला है बस, अब भूख सहन नहीं हो रही है क्योंकि देखो राजस्थान है और दाल बाटी नहीं खाई तो राजस्थान आना बेकार है। तो फ्रेंड्स, हमारी राजस्थानी थाली आ चुकी है। राजस्थान की जो सबसे फेमस डिश है वो है दाल बाटी। दाल बाटी यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इन्होंने क्या क्या दिया, पहले वो देख लेते हैं। और सबसे पहले दाल है, दाल है वो मिक्स दाल है। उसके बाद जो बाटी है यहाँ पे इन्होंने 5-6 बाटी, यानी कि अगर एक थाली में 2-3 लोग, 2 लोग आराम से खा सकते हैं। चटनी दी है यहाँ पे, ये लहसुन की चटनी है, इसके बाद टमाटर की चटनी है और सैलेड दिया हुआ है। सैलेड के अंदर भी इन्होंने यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो टमाटर है उसका भी गुलाब बना दिया है, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ये लेके आए यहाँ पे। और मेन चीज़ है वो है चूरमा, ऐसा बोलते हैं जो होता है चूरमा वो खाता है चूरमा, ऐसा हमने सुना है। और काफ़ी ज़बरदस्त में ड्राई फ्रूट भी है, यानी कि ये 1% के लिए 2% अगर इसको खाएं तो आराम से उसका पेट भर सकता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ फिर आपको बताता हूँ किस तरीके का इसका टेस्ट लगा मुझे। तो मैंने यहाँ की दाल बाटी खाई और मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। राजस्थान की दाल बाटी, उसमें जो पुरोहित की दाल बाटी है तो क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था। तो मैं अगर यहाँ पे किसी को आना हो तो यहाँ का क्या एड्रेस है? नक्की लेक पे पुरोहित रेस्टोरेंट, नक्की लेक की ये बिल्कुल बाजू में ही है, बिल्कुल पास में ही है। और उसके अलावा ये सामने कुछ कोई दुलेश्वर मंदिर, और दुलेश्वर मंदिर है मेन नक्की लेक रोड, मेन नक्की लेक के पास में ही है, बिल्कुल बगल और जस्ट पास में ही है, आपको ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं, बहुत फेमस आउटलेट है ये।
ये दाल बाटी चूरमा पंजाबी राजस्थानी साउथ इंडियन रोटी पराठे नान स्पेशल पाव भाजी मसाला डोसा पनीर टिक्का पालक पनीर।